मम्मी आज मेरा रिजल्ट आने वाला है 12th का। तो तुमने तुम टेंशन मत लो, तुमने मेहनत किया है तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। मम्मी आए वो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ठीक है। अब इसका फोन क्यों आ रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और कैसे हो नाना? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? मेरे 80% जो आए। क्या आपका रिजल्ट आ गया? हमने नहीं देखा क्या? नहीं, मैंने अभी नहीं चेक किया, रुको मैं अभी चेक करती हूँ। ठीक है, मैं पापा को बता के आती हूँ। पापा पापा। हाँ बेटा। पापा मैं 90% आई, 90%। अच्छी अच्छी बात है बेटा। आप मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएंगे ना? नहीं बेटा, आप आगे नहीं बढ़ सकती हो। लेकिन क्यों पापा? आजकल पढ़ाई में इतने सारे पैसे लगते हैं, इससे अच्छा मैं उन पैसों को मैं तुम्हारी शादी ना करा दूं। लेकिन आपको तो पता है ना पापा, ये मेरे बचपन का सपना है। मैंने कहा ना जाके आप उसमें आके हकामों में हाथ वगैरह बटाओ, जो यहाँ से नहीं समझाइए ना इनको। मान लीजिए है ना, मैंने एक बार कहा ना इसको आगे नहीं बढ़ना है तो बस कर लेंगे। अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, जिसको उनका आगाज इकरा से हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हो राहत? मैं ठीक हूँ। आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। जी मिस, मैं 90% आए। वाह, तुम तो क्लास में फर्स्ट आई हो। थैंक यू मिस। और आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? मिस मुझे नहीं लगता है कि मेरे पापा मुझे आगे पढ़ाएंगे। क्यों, तुम्हारे पापा क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? वो बोल रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई में इतने सारे पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी ना कर लूं। अगर पैसे की बात है तो गवर्नमेंट ने बहुत से स्कॉलरशिप खोले, तुम वहाँ क्यों नहीं ट्राई करती? मिस आपके पास इस स्कॉलरशिप का कोई और डिटेल है क्या? हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। थैंक यू मिस। आगे का सीन बाजार में। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अस्सलाम जमील भाई। और सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश क्यों ना रहूं, मेरे बेटे के 60% जो आए हैं। और बताइए, सब ठीक है? चलिए हमारे घर पे चाय वगैरह पीकर बातें करते हैं। बैठिए बैठिए। राहत बेटा, राहत बेटा, आ जाओ, देखो कोई आया है। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और तुम्हारे कितने परसेंट आए? 90% आए। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया और आगे ऐसे ही तरक्की करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इतने अच्छे परसेंट आए फिर तुम उदास क्यों हो? जाओ बेटा अपनी मम्मी को बुला, जावेद चाचा आंटी ने कुछ चाय पानी लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, और सब ठीक है? हाँ खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ये बताइए, आपके बेटी के इतने अच्छे परसेंट आए फिर उदास क्यों है? आप इन्हें समझाइए, डॉक्टर बनना उसका बचपन का सपना है और उसे पढ़ाने नहीं बोल रहे हैं। क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आजकल पढ़ाई में इतने सारे पैसे लगते हैं, इससे अच्छा उन पैसों का मैं उसकी शादी ना करा दूं। और उसकी शादी की उम्र भी निकली जा रही है जावेद भाई। मुझे तो नहीं लगता उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। जो मैंने एक बार बोल दिया ना, बस बोल दिया। मैं तो अपनी बेटी को अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाऊंगा और उसे अच्छे से डॉक्टर बनाऊंगा, आगे आपकी मर्जी। अच्छा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। पापा पापा, मुझे आपसे कुछ काम थी। क्या काम था बेटा? पापा मुझे आपकी यहाँ पे साइन चाहिए। ये कौन सा पेपर है? पापा ये मेरी स्कॉलरशिप का फॉर्म है। अभी तक तुम्हारे सर से पढ़ाई की भूल नहीं उतरी? कर दीजिए ना पापा प्लीज। मैं एक ही साथ में करूँगा साइन। कौन सी सर? अगर तुमको स्कॉलरशिप मिलती तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी अगर कोई अच्छा कर चुका है ना तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ठीक है। चाय लेकर आओ। ये लीजिए। नहीं
क्यों लेते हो? क्यों ना लो टेंशन, उसकी अभी तक उसके सर से पढ़ाई की भूत नहीं उतरी है। आप ही की बच्ची है और डॉक्टर बनना उसका बचपन का सपना है। डॉक्टर बनकर कौन सा तीर मारेगी, आखिर में चूल्हा चौका ही तो करना है उसको। समझ में नहीं आता, अपने कामों में हाथ वगैरह बटाया करो। क्या हो गया? मम्मी आप इनके ऐसे एक्सरसाइज करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूं। Hey everybody, be seated. ये बेटा बीच में क्यों? डॉक्टर आप जल्दी आ जाइए, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं जल्दी आ रही हूं। ठीक है, आप आइए जब तक मैं कुछ करती हूँ। अरे मैं यहाँ नहीं थी, मेरे यहाँ किसने किया? डॉक्टर राहत ने किया। अच्छा, डॉक्टर राहत ने किया? यस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, आप आ गए। वालेकुम अस्सलाम, हाँ मैं आ गई। अरे यार तुम कितनी लकी हो, तुम अपने पापा का इलाज कर पा रही हो। तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत खुश होंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पापा मुझसे खुश होंगे। मुझे तो लगता है कि मेरे पापा तो मुझसे तभी खुश होंगे कि जब मेरी शादी हो जाएगी। राहत राहत बेटा, कितने राहत को बुलाओ। आ रही होगी। माइक को पास नहीं कर रहा हूं। पापा ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। पापा थोड़ा चल के दिखाइए। सही डॉक्टर, वो डॉक्टर सही कह रही थी बेटा कि तुम, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है, और मैं तुम पे आज बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। और मेरे पास जितनी भी दौलतें हैं मैं उनको साइड में रखकर मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई करवाऊंगा बेटा। पापा मुझे ये बोल के शर्मिंदा ना करें। एजुकेशन हर किसी का बेसिक राइट है, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, लड़का हो या लड़की, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तब पढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जय हिंद जय भारत।